हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज मैं ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे, जो कि जानना चाहते हैं बेटनोवेट एन सच में उनके स्किन के लिए नुकसानदायक है और ये इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, या अगर ऐसा कुछ अफवाह फैलाई जा रही है कि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, ये स्टेरॉयड है, ये क्या है, इसकी पूरी सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो बेटनोवेट एन जो ये क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, इसका रिव्यू इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बेटनोवेट एन का रिव्यू, जो कि एक स्किन क्रीम है जिसे काफ़ी लोग काफ़ी जगह पर यूज़ किया जाता है और काफ़ी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे इसके चमत्कारी इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ये बहुत चमत्कारी क्रीम है जिससे आपके स्किन गोरी हो जाएगी, आपके दाग धब्बे स्किन के हट जाएंगे, अगर आपको एक्ने या पिंपल हैं या एलर्जी है तो वो पूरे रैशेस एकदम ठीक हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल रोक दीजिए। ये क्रीम उठा के आप डस्टबिन में डाल दीजिए। ये एक स्टेरॉयड क्रीम है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने अगर यूज़ कर ली है तो इसका जो आप चाहते हैं ओवरकम, जो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसे ओवरकम कैसे करेंगे। तो ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ये बहुत इजीली अवेलेबल है। इससे क्या होता है, बेसिकली आपकी जो स्किन है, जो स्किन की जो टिश्यूज़ हैं ऊपर वाले, वो बहुत पतले हो जाते हैं, जिससे कि आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप धूप में जाएंगे तो आपको स्किन पे रैशेज़ हो जाएंगे, रेड रैशेज़ हो जाएंगे, स्किन बहुत जल्दी रेड हो जाएगी। तो ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है अगर आपके पिंपल वगैरह एक्ने वगैरह हैं स्किन के ऊपर, बट इसको आप लॉन्ग टाइम तक अगर यूज़ करें तो आपकी स्किन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो अब इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मार्केट में बहुत सारी क्रीम और भी अवेलेबल हैं जो दावा करती हैं बहुत सस्ती मिल जाएगी आपको ये क्रीम, और बहुत सारी क्रीम अवेलेबल हैं जो दावा करती हैं कि आपके पिंपल एक्ने को बहुत जल्दी ठीक कर देंगी। तो उनमें से मोस्टली जो होती हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं, और स्टेरॉइड्स हमारे बॉडी के लिए हमेशा हानिकारक रहे हैं, हमारे स्किन के लिए हानिकारक है, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ बेटनोवेट एन का यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन बिल्कुल पतली पड़ जाएगी, जिससे आपके रैशेज और ये सब बढ़ सकते हैं। आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलेगा रैशेज और एलर्जी से, बट लॉन्ग टाइम में ये चीज़ें बढ़ेंगी और निकल के सामने आएंगे, क्योंकि स्टेरॉइड जब तक आप यूज़ करते हैं तभी तक काम करता है, उसके बाद इसके जो प्रभाव हैं वो निकल के सामने आएंगे। आप यूज़ करना बंद कर देंगे तो आपके पिंपल एक्ने एलर्जी सब सामने आएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। स्किन पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, ये उसमें भी यूज़ होती हैं, लोग यूज़ करते हैं कि गोरी हो जाएगी स्किन, शाइन करेगी आपको बहुत, आप बहुत ही अलग से दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड आपके स्किन पे काम करेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर आपकी स्किन पे दाग धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो और स्किन का टिश्यू भी बिल्कुल पतला हो जाएगा, जिससे आपकी जो नेचुरल स्किन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इससे निजात पाने के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसको बिल्कुल छोड़ना है, आपको एक जेंटल फेस वॉश का यूज़ करना है और अपने स्किन पे नारियल के तेल का इस्तेमाल करना है। नारियल तेल आप दिन में दो बार यूज़ कीजिए, रात को सोते टाइम अच्छे से हल्के हाथ से इसका मसाज कीजिए अपने स्किन के ऊपर, जहाँ जहाँ आपके अगर रैशेज़ वगैरह हैं, स्किन ब्लैक थी, आप धीरे धीरे मसाज कीजिए, ताकि इससे आपके स्किन के अंदर एक न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी स्किन अंदर से ग्लो करेगी। तो आप इससे ओवरकम करने के लिए, इसके साइड इफ़ेक्ट से ओवरकम करने के लिए आप ये ले सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीजिए, ताकि आपका अंदर से निखार है, आपकी स्किन अंदर से ग्लो करे, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको करनी है, इससे आपका जो साइड इफ़ेक्ट्स जो इस क्रीम को लगाने के बाद हुए हैं उससे आप जल्दी ही ओवरकम कर जाएंगे। और मैं भविष्य में भी लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसी क्रीम है जो यूट्यूब पे आप देख के यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ ना कीजिए, अगर कर भी रहे हैं तो उसका अच्छे से
आप एक बार उसके बारे में पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेस्ट कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में मैंशन करिए, मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल आप लोगों का रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।